दोस्तों जल्दी आपको देखिएगा यहाँ पे 24 आवर्स एक मार्केट खुलता हुआ देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप फॉरेन में भी ट्रेड कर सकते हो, आपकी कंपनियाँ भी फॉरेन देखिएगा स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होंगी। तो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है और कैसे ये पॉसिबल होगा, इसमें अब तेजी आने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वरना आपको वीडियो देखेगा पूरा नहीं समझ में आया तो किसी तरीके का फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको पता है कि थोड़े दिन पहले अगर आप देखेंगे तो BSE NSE ने मर्जर को लेकर एक बात कही थी, बहुत बड़ी अपडेट आई थी और मैंने आपसे कहा था कि अगर ये मर्जर होता है और आगे चल के देखिएगा ये दोनों कंपनियां साथ में मिलकर इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करते हैं गिफ्ट सिटी में, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा फॉरेन इनफ्लो देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आप बेहतर तरीके से मार्केट को ट्रैक कर पाओगे। लेकिन अब खबर आई है कि BSE NSE में बात नहीं बन पाई है। अब कैसे नहीं बन पाई, क्यों नहीं बन पाई, ये भी बताऊंगा वीडियो में, लेकिन बात नहीं बन पाई है। लेकिन फिर भी आपका फायदा क्या होने वाला है वो आप इस वीडियो में जान जाओगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो BSE NSE में बात नहीं बन पाई है, इसका मतलब मर्जर नहीं होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं गिफ्ट सिटी में स्थित एक्सचेंज NSE, अगर आप देखेंगे IX इंटरनेशनल एक्सचेंज, यहां गिफ्ट सिटी किसकी बात हो रही है, इंटरनेशनल एक्सचेंज की बात हो रही है, BSE INX का विलय नहीं होगा। अब आपको पता है इन दोनों का विलय हो जाता तो एक बहुत बड़ा फॉरेन इनफ्लो देखने को मिलता। इन दोनों के विलय के प्रस्ताव में BSE पीछे हट गया। BSE देखिए बहुत स्मार्टली खेल रहा है, BSE ने अपने किस तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन के वॉल्यूम्स बढ़ाए हैं, किस तरीके से देखिएगा आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको सेंसेक्स और बैंकेक्स लग रहा है इस समय, तो ये सारी चीज़ें वो बहुत ही डिफरेंट वे में कर रहा है, इसीलिए देखिएगा BSE यहाँ पे पीछे हट गया है। अब BSE ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC में अकेली ही आगे बढ़ने का फैसला किया है, यानी कि अब ये प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। जब आपको किसी पर डिपेंडेंट रहकर किसी के साथ मिलकर काम होना होता है तो काम देरी से होता है, तो अब आपको पता है IFSC गिफ्ट सिटी में यहाँ पे ये अकेले आगे बढ़ने का फैसला ले रहे हैं, और इसे लेकर NSE ने 22 मई को एक बड़ा ईमेल भी कर दिया है। अब आप समझ लीजिए कि जैसे ही यहाँ पे BSE इंटर होता है तो आपको देखिएगा BSE से रिलेटेड कंपनियों को तो बहुत फायदा होगा, पैसा भी बहुत आएगा, साथ में 24 आवर्स ट्रैक करने के लिए आपके पास एक एक्सचेंज हो जाएगा गिफ्ट सिटी। आप देख सकते हो यहाँ पे NSE IX इंडिया INX का विलय नहीं होगा, इन दोनों में पूरी तरीके से पीछे हट गई है। 22 मई को देखिएगा ये पूरा यहाँ पे बात बताई गई है और पुष्टि भी कर दी गई है, NSE की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है। सरकार ने शुरू करी थी देखिएगा ये सारी बातचीत वार्तालाप, ये सरकार ने शुरू करी थी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में स्थित BSE के एक्सचेंज और NSE के एक्सचेंज को मिलाने की बजाय अब BSE अकेले आगे बढ़ेगा। पहले सरकार ने शुरू करी थी बात, गिफ्ट सिटी की रेगुलेटरी बॉडी देखिएगा है IFSCA के प्रमुख के साथ मिलकर ये बातें शुरू हुई थी, बट अब ऐसा होते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। जनवरी तक ये पूरा देखिएगा जो मर्जर था वो कंप्लीट भी होना था, लेकिन इसमें पूरी तरीके से बात नहीं बन पाई, और अगर ऐसा हो जाता तो बहुत बहुत ज़्यादा देखिएगा जो अपनी कंपनियां हैं NSE और BSE की उनको फ़ायदा देखने को मिलता। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे IFSCA के चेयरपर्सन के राजा राम ने कहा था कि गिफ्ट सिटी में स्थित एक्सचेंज और BSE के इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज के विलय को लेकर बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, विलय 1 महीने के भीतर पूरा हो जाएगा, उन्होंने ये बात दिसंबर में कही थी और प्राइवेट क्रेडिट समिट में ये बातचीत कही गई थी, लेकिन अब ऐसा होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। बट अब आपको पता है BSE इंडिविजुअल आगे बढ़ेगा, तो जब इंडिविजुअल आगे बढ़ेगा तो काफ़ी तेजी से प्रक्रिया होगी और जल्दी देखिएगा BSE से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां BSE में लिस्टेड हैं उनको बड़ा फायदा होने वाला है, बड़ा इनफ्लो आने वाला है, और इस पर्टिकुलर मार्केट गिफ्ट सिटी में आप उन कंपनियों को जो फॉरेन में ट्रेड होंगी लिस्ट होंगी आगे चल के उनको 24 आवर ट्रैक कर सकते हैं 24 घंटे,
और आप यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हैं, बस तरीके अलग होंगे। तो इसलिए पूरी तरीके से बी रेडी रहिए, ये जैसे ही प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो बड़ा फायदा होने वाला है। राम राम।